गुड मॉर्निंग भाइयों, वेरी गुड मॉर्निंग। दोनों भाई रेडी है, दो दिन से नहाए नहीं थे, आज नहा लिए और फ्रेश हो गए। चोस्कर करके होटल है ले में, वहाँ हमने स्टे किया था और आज हमारे दो भाई हमें छोड़ के जा रहे हैं। ये करण भाई और ये मोहित भाई जो आज हमें छोड़ के जा रहे हैं। वो ओके भाई, छोड़ के जाने का क्या बताऊं, यहाँ से ट्रिप में से छोड़ के जा रहे हैं। तो आज हम जाएंगे दाहनु। राकेश भाई नहीं आ रहे वीडियो में। ओके, ये हमारे आ गए, आ गए सब आ गए। ये हमारे आशु भाई और देवेंद्र भाई बालू, और आज ये दोनों भाई हमारे साथ अब आगे की ट्रिप में नहीं रहेंगे। ये सही बात है। ओके, जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट ईयर शायद हम प्लान कर रहे हैं मेघालय के, वहाँ हम शायद रहेंगे। ओके ओके। तो भाई लद्दाख तो सभी आए होंगे, लेकिन ऐसी राइड किसी ने नहीं की होगी। देखिए हम कहाँ पे है, वाह क्या बात है। नया एक्सपीरियंस, नया डे, हर एक दिन नया एक्सपीरियंस, बहुत ही मजा आ रहा है। लद्दाख नहीं, लेह की गलियों में हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसा एक्सपीरियंस किसी ने नहीं किया होगा। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। क्या बात है, भैया हम क्यों जा रहे हैं पता है आपको? हमारी बाइक जो है वो हमारी दूसरे होटल पे रही है, पुरानी वाली बाइक जो मनाली से लेके आए थे, वो हमें बहुत पसंद है भाई। लेकिन ये राइड एक नंबर अभी जा रही है, बहुत मजा आ रहा है भाई। क्या ठंडा ठंडा पवन है, हवाएं चल रही है, ले की गलियों में हम घूम रहे हैं। जाए जाने का हवाएं, मैं आपको आगे का व्यू भी दिखा रहा हूँ। से निकलने का वक्त आ गया है, आज हमें जाना है दाहनु। और वो फ्लैग देखिए, जब भी मैं फ्लैग देखता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। अभी हवा थोड़ी बंद हो गई, नहीं तो फुल फ्लो में था अभी हमारा फ्लैग। और वो फ्लैग मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब भी मैं फ्लैग देखता हूँ। आज हमारी राइडिंग है 120 किलोमीटर्स की, और जो ऑफ रोडिंग सभी थे वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं। सबसे हार्ड ड्राइव थी, जो राइड थी वो हमने अभी कंप्लीट कर दी है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है आज। आज थोड़ी ठंड ज़्यादा है, अभी निकलेंगे, देखते हैं कैसे नज़ारे आते हैं दाहनु जाने के रास्ते पे। तो भाई लोग हम वापस रोड पे आ चुके हैं बाइक राइड के लिए। तो आज हम जाएंगे दाहनु, पेट्रोल भरवा दिया है, वहाँ एक डेढ़ घंटा तो लगता ही है, नॉर्मल है वो तो। और फिर चेक पोस्ट थी ले की, वहाँ पे सब रजिस्ट्रेशन या कुछ पेपर वर्क था वो भी ख़त्म कर दिया, और अभी हम निकल चुके हैं। तो राइड आज बहुत अच्छी होने वाली है, 120 किलोमीटर्स के अराउंड ही है दाहनु लेह से। और अब नज़ारे देखिए, वाह वहाँ पहाड़, यहाँ पहाड़, सभी जगह पहाड़। हमें वहाँ उस पहाड़ों के पीछे जाना है, बहुत ही बढ़िया। निम्मू, अगला गांव निम्मू होगा जो कि यहाँ से 19 किलोमीटर है। अभी निकले हैं, देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। आज तो रास्ता बढ़िया रहा तो
दो तीन घंटे में ही राइड निपटा देंगे दाहानू की। देखिए भाई साहब, दूर दूर तक पहाड़, बहुत ही दूर दूर तक पहाड़ है। नज़दीक में कोई नहीं है लेकिन सारे पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, बहुत ही बढ़िया। और ये बीच में कुछ मंदिर जैसा है, वहाँ सामने चोटी पे आप देख सकते हैं। वहाँ ऊपर मंदिर, लोग दर्शन के लिए आए हैं। वहाँ ऊपर भी नज़ारे देखिए, नज़ारे बहुत ही बढ़िया है, ऊपर के नज़ारे। और आगे शायद ठंड भी हो सकती है, अभी भी ठंड है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठंड है भाई। वो पहाड़ देखिए, जैसे सीधा रास्ता पहाड़ के अंदर ही जा रहा है ऐसा दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया। ये पूरा पहाड़ कैसा दिख रहा है यहाँ से लेके वहाँ तक, एक बड़ी सी दीवार, क्या बात है। और यार रास्ते तो बढ़िया है और ऐसे नज़ारे आएंगे तो ध्यान उसमें ही चला जाता है, एक नंबर। अभी हम हैं मैग्नेटिक हिल पे, ये हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ना वो मैग्नेटिक हिल है। और यहाँ पीछे जो रास्ता है बहुत सारी पब्लिक है, बहुत भीड़ है वहाँ पे, इसलिए वहाँ नहीं गए हम। लेकिन ये मैग्नेटिक हिल है, यहाँ अगर आप गाड़ी ऊपर में डालोगे तो अपने आप ऊपर जाएगी। वहाँ टायर्स के कुछ निशान है, बाइक नहीं जाएगा भाई, बाइक लेके मत जाना, नहीं तो आप ऊपर चले जाओगे। ऊपर नहीं चले जाओगे, नीचे गिर जाओगे भाई। नीचे गिरने के बाद तो ऊपर ही जाना है ना। देखो वहाँ पर है बढ़िया वाला। दोस्तों हम निकल रहे हैं और यहाँ बहुत भीड़ है यार, बहुत ही ज्यादा। दीपेश भाई का हेलमेट गिर गया है इसलिए सब रुके हुए हैं। मैग्नेटिक हिल यार, अभी तो सभी जगह बहुत ही लोग हैं। आप कोई ऐसी जगह घूमने जाओ अगर आपको ऐसा मेरे जैसा कोई कीड़ा है तो, जो भी रॉ है, बहुत लोगों ने एक्सप्लोर नहीं की है। जैसे कल हम हानले गए थे, हानले भी राइडर्स तो आते ही है लेकिन ऐसी कुछ रॉ जगह है, वहाँ ही आप लोग जा सकते हो जहाँ भीड़ कम हो। और वो सामने वाला पहाड़ देखिए भाई, जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेट्स गो। दोस्तों आप हमारे पीछे दो रिवर देख सकते हैं, वो वाली है वो जांस्कर है और ये ग्रीन कलर ये सिंधु नदी है। और ये दोनों यहाँ पे संगम है उन दोनों नदी का, और ये आगे जाके सिंधु नदी हो जाती है और ये ही वो नदी है जो आगे पाकिस्तान में जाके मिलती है। और ये कल से हमारे साथ हानले से हम निकले थे तब से हमारे साथ थी सिंधु नदी। और एक बात बताता हूँ मैं आपको, इसका जो कलर है क्यों मड़िस्ट है, क्योंकि वहाँ से जो स्नो है वो मेल्ट होता है गर्मी की वजह से, तो उसका पानी बनकर यहाँ आता है, सो इसका कलर इसलिए मडिस्ट है। और उसका फ्लो थोड़ा ज़्यादा रहता है तो इसलिए वो इंडस को मर्ज होते टाइम वो उसका कलर भी दे देता है, सो उसका कलर आगे जाके मडिस्ट ही होता है। और इन द विंटर सो दे फ्रीज, द रिवर इज फ्रीज मीन्स वो पूरा फ्रीज हो जाती है, बर्फ हो जाता है और उसके ऊपर लोग चल के आते, चल के यहाँ पे ले आते हैं। वो पहले की बात थी लेकिन अभी रास्ता हो गया, अभी तो हो गया। और अमन ने जो इंडस बोला वो सिंधु नदी का इंग्लिश में नाम है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ओके
देखियो, देख लो भाइयों क्या ही व्यू है। हम बिल्कुल पहाड़ के ऊपर ही है और वहाँ सारे पहाड़ है और रास्ता आप देख सकते हो, पहाड़ी पहाड़, मिट्टी पत्थर, और शाई शाई करके चल रहा है भाई। हाँ तो रोड भी एक नंबर है। और नजदीक में तो शायद कोई भी पहाड़ नहीं है। इस तरफ खुला मैदान है, इसी तरफ भी खुला मैदान है, वहाँ ऊपर बर्फ पहाड़ों पे। वहाँ देखिए कैसे हम जा रहे हैं, गोली की तरह गोली शुम। देखिए अभी नीचे उतरने वाले हैं और वाह क्या ही व्यू है। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, वहाँ देखिए वाह वाह क्या बढ़िया, वहाँ सामने दूर तक आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। वाह जी वाह, रोड देखिए सीधे मेरे सीधी नाक जहाँ तक है वहाँ नाक है, वहाँ से स्टार्ट किया तो सीधा ही है, बहुत ही बढ़िया। और देखिए बर्फ की बर्फ, वहाँ ऊपर काले पहाड़, नीचे मिट्टी वाले, और क्या नज़ारा है भाई साहब। और हम सीधे गोली की तरह नीचे जा रहे हैं। श्रीनगर 365 किलोमीटर, लेकिन हमें श्रीनगर नहीं, हमें दाहन गया। अभी नीमू गया एक गांव, उसके बाद सोसपोल गांव गया, अभी आगे नारुल या ऐसा कुछ गांव है वो आएगा। देख लो भाई साहब ये नज़ारा, बीच मेरे लेफ्ट साइड है सिंधु रिवर, बहुत ही तेज जा रही है, आपको दिखता होगा ऐसे शांत है। आगे के मुकाबले थोड़ा शांत है, आगे के हाँ पीछे के मुकाबले, लेकिन बहुत गहरी है भाई। और पहाड़, रास्ते और राइडर्स, और जैसे ही ऐसी कोई ग्रीनरी आती है वहाँ एक दो घर होते हैं या कुछ होता है, तो इससे हमें सीख लेनी चाहिए। यहाँ पूरा पत्थर है, फिर भी जो एक दो घर है उन्होंने अपने आजू बाजू ग्रीनरी कितनी कर रखी है। ऊपर देखिए आप लोग कैसा ही नज़ारा है। तो दोस्तों अभी हम लंच करने के लिए रुके थे और ये हमारे पीछे क्या नाम लिखा है हमारे पंजाबी, महादेव पंजाबी ढाबा, महादेव पंजाबी ढाबा करके ये ढाबा है, वहाँ पे एक नंबर खाना बढ़िया था भाई, पंजाबी खाना है, नॉर्थ इंडियन खाना, आपको मज़ा आ जाएगा। हमने अभी बहुत दबा के खाया भाई, आठवां दिन है आज, फिर भी आज पहली बार दबा के खाया है थोड़ा। यस ब्रो, ये हमारे कप्तान कप्तान साहब बोल रहे हैं, ये बोल दो एक बार भाई, वो राइड चलो राइडर, राइडर। तो क्या बोलो, ट्रैक देखो उनका, हमारे कप्तान का, लेकिन चाबी खो दिए वो। बच्ची किस तेर पे हैं? देखियो मास्क कसम। राइट हो गया आज का, निकल दे अब दान के दान के लिए। तो दोस्तों द 66 किलोमीटर्स है यहाँ से, और अभी हमने अराउंड 100 किलोमीटर्स के अराउंड 95 या ऐसा कुछ चला लिया है। खाना भी आज लंच हमने बहुत ही हैवी किया है,
झकारे भी आ रही है। और आज हम हैं श्रीनगर, कारगिल और बटालिक सेक्टर वाले रास्ते पे, जो कि ये सभी वही जगह है जहाँ पे वो कारगिल वार हुई थी। तो देखते हैं अभी आगे क्या वादियाँ आएगी। भाई तो मैंने वो आप लोगों को बोर्ड दिखाया था, वहाँ से हम बटालिक की तरफ मुड़ गए हैं राइट साइड, और वहाँ से द आई थिंक 66 किलोमीटर वहाँ बोर्ड पे दिखा रहा था, गूगल मैप में 93 किलोमीटर दिखा रहा था। जो भी हो, हमको तो राइड करनी है, दहानू पहुँचना ही है, तो फिर निकलते हैं। दोस्तों, तो मेरे आगे जो बाइक चला रहे हैं, आप देखो कितना ही ऑफ रोड है और वो ड्राइविंग कर रहे हैं और लोगों को वेव कर रहे हैं। इनकी एज 61 है, गोपाल सर है ये, जो कि रिटायर्ड होके अभी जस्ट ये राइड पे आए हैं। ये ट्रू इंस्पिरेशन होते हैं ऐसे लोग, आपको देख के लगता है कि ये 61 के हो गए, लेकिन ये सच में 61 है भाई, क्या बात है, क्या बाइक चला रहे हैं भाई। हम जब 80 चलाते हैं, 100 चलाते हैं तो ये भी चलाते हैं, हम ऑफ रोडिंग करते हैं तो ये भी करते हैं। देखो देखो वो पैडलिंग कर रहे हैं, एज इज जस्ट अ नंबर। और हमने जो जो भी सर्वाइव करने के लिए इस ट्रिप पर किया है, पेंगोंग हो या सरचू हो, ये सभी जगह हमारे साथ थे, तो इनसे कुछ सीखना चाहिए। आप नज़ारा देखिए, वहाँ छाँव, यहाँ धूप, नदी, मिट्टी के पहाड़, ऊपर बर्फ, वहाँ भी मिट्टी के पहाड़। सोचो भाई सोचो, हमारे जवानों ने कैसे यहाँ जंग लड़ी होगी। ये वही बटालिक सेक्टर की पहाड़ियाँ है जहाँ से हम दहानू के लिए जाएंगे, और बहुत ही बढ़िया नज़ारे है। ये नदी देखिए कितनी तेज़ बह रही है, और लैंडस्लाइडिंग यहाँ रेगुलर होती है। देखो तो सही, पत्थर ही पत्थर। और वो वहाँ पे तिब्बतियन लोग के मंदिर है, आई थिंक उसको थुप्पा या ऐसा कुछ बोलते हैं, थुप्पा तो नहीं और कोई नाम है, लेकिन वो ही कुछ है। कितने सारे हैं देखो, ये पॉजिटिव वाइब्स के लिए भी होते हैं। तकमाची देखिए, वो काफ़ी नज़दीक आ गए है। देखिए बहुत ही बढ़िया, शायद कोई छोटा सा गांव है वहाँ पे। देखिए दोस्तों कैसे रास्ते हैं दहानू जाने के लिए, नदी तो हमारे साथ ही चल रही है, लेकिन वो ग्रीनरी वाला एरिया देखिए आप भाई। खा तो इतना लिया है, मैंने अमन को मना किया था कि भाई इतना सारा नहीं खाते, लेकिन दाल मखनी मक्खन मार के थी, मिक्स वेज सब्जी थी और दो रोटी। अब तो सोना पड़ेगा, लेकिन राइडिंग के दौरान क्या सोए। आज सुबह से ही थोड़ा लेजी फील कर रहे थे दोनों हम, लेकिन राइडिंग अच्छी जा रही थी। लेकिन अब इस खा लिया है तो पहुंच जाए एक बार दहानू जल्दी, और फिर कुछ जुगाड़ करते हैं सोने का। वो दोस्तों रास्ता कितना छोटा है, बस है सामने से, गाड़ी आ रही है तो बाइक भी नहीं निकल रही है, और ऊपर पहाड़ियाँ देखो एक नंबर।
या बहिमा करके कोई ऐसा गांव है जहां पे हम मोनेस्ट्री में आए थे, लेकिन मोनेस्ट्री बंद है और आज का स्टे हमारा दाहन में है और बहुत ही रिमोट एरिया है यार, बहुत रिमोट लोकेशन है यार। लेकिन यहां पे एक हायर सेकेंडरी स्कूल भी है, वो भी गवर्नमेंट, और यहां सिर्फ आर्यन लोग ही रहते हैं। यहां सिर्फ आर्यन ही रहते हैं और यहाँ से शुरू होता है आगे तक जहाँ सब आर्यंस रहते हैं, और आगे कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ जो आर्यंस रहते हैं वो हमें मिलने को रेडी भी नहीं है। हाँ। वो अपनी दुनिया में ही जीते हैं, ऐसा है। दो गांव ये हाँ। है वहाँ आप जा सकते हैं और आगे के दो गांव आप नहीं जा सकते। दोस्तों हम आर्यन वैली आ चुके हैं और आर्यन वैली में भीमा करके एक गांव है, वहां ये आर्यन वैली कैंप है जहां आज रात हम स्टे करने वाले हैं। ये हमारा टेंट देखो, अमन वहां पे बैठा है और उसका नंबर क्या नंबर है अमन? चार नंबर है और बहुत ही बढ़िया है। मैं आप लोगों को एक टूर करवा दूँ, लेकिन सामान भवन यहाँ पर इधर उधर पड़ा है तो फिर छोड़ो, लेकिन बहुत अच्छा है। मैं आपको सिर्फ ऊपर से दिखा दूँ। तो ऐसा टेंट है हमारा, कपड़े वपड़े सब वहाँ पे सूखने के लिए रखे हैं और बढ़िया है। आज तो बढ़िया नींद आने वाली है। ये अंदर से अच्छा तो बाहर का नज़ारा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे आशु भाई है जो बात कर रहे हैं और ये सारे कैंप है। बहुत ही बढ़िया जगह है ये, यहाँ हमने अभी चाय पी है और अंदर किचन है, वहाँ पे रात को डिनर करेंगे और नज़ारे तो एक नंबर है।